अस्सलाम वालेकुम। सो वही हमारा लेक्चर 4 कंटिन्यू हो रहा है। सो हमने लास्ट गॉस लॉ की एग्जांपल्स की हैं। गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है कि जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाल सकते हैं डिफरेंट सर्फेसिस के केस में यूजिंग गॉस लॉ। कल्चरल इनलाइटमेंट टाइम, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि टॉप 5 रीजन व्हाई वी मेक यू लर्न गॉस लॉ, कि आप क्यों सीखते हैं गॉस लॉ। पहली रीजन है कि यू कैन सॉल्व डिफिकल्ट हाई सिमेट्री प्रॉब्लम्स विद इट इजीली। इट्स गुड फॉर यू, इट्स फन। व्हाट मोर कैन यू आस्क? मतलब इजीली आप देख सकते हैं कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किया तो उसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, जबकि गॉस लॉ में हम इजीली जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इजी है, इसलिए आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे। सो आपने क्या लर्न किया सर, करके जो ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है? क्यू इनक्लोज्ड अपर एप्सिलॉन नॉट के। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये पार्शियल जो ये डेल्टा डाउनवर्ड आपको नजर आ रहा है डॉट ई, ये आप 3 डायमेंशन डेरिवेटिव ऑपरेटर है विच इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं लेकिन हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट के कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर्स का क्या रोल है। सो यू मस्ट बी एबल टू यूज गॉस लॉ टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो इलेक्ट्रिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि देर इज नो नेट मोशन ऑफ द चार्जेस इन साइड द कंडक्टर। सो जो कंडक्टर की बॉडी है उसके इन साइड में जो चार्ज है उनकी नेट मोशन 0 है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर मस्ट बी 0, ये पहली चीज होगी। इफ दिस वर नॉट द केस, अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब चार्ज वुड एक्सेलरेट, और ये एक्सेलरेशन जब होती है चार्ज की तो आपने अक्सर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखी होगी कि आपकी चीज़ें जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर चार्ज उसमें आप एक्सेलरेट करवाते हैं, मीन्स कि वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं या वोल्टेज लो कर देते हैं, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ता है और वो बर्न हो जाता है, ठीक है। एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर ये केस नहीं होगा, अगर एक्सेस चार्ज रिजाइड नहीं करेगा उसके ऊपर, तो फिर आपकी वो जो कंडक्टर है वो बर्न हो सकता है, ठीक है जी। सो ये डेफिनेशन। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। तो ये हम पीछे से ही देखते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, जो कंडक्टर की सरफेस है। अदरवाइज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज चार्जेस टू एक्सेलरेट, और जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो आपकी डिवाइस या कंडक्टर जो है वो काम नहीं करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, वेयर इज द मैग्नीट्यूड, जो क्यू है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है लोकल चार्ज डेंसिटी के लिए। ए सिंपल एप्लीकेशन गॉस लॉ डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज बिकॉज ही जीरो इनसाइड द कंडक्टर। सो लेट्स से ये आपके पास कोई कंडक्टर है। इफ देर इज एन एम्प्टी नॉन कंडक्टिविटी इन साइड ए कंडक्टर गॉस लॉ टेल्स अस दैट देर इज नो नेट चार्ज ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी ई डॉट डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई डॉट डी हमारे पास 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर 0 है क्योंकि देर इज नो चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। सो हमारे पास जो है वो गॉस लॉ हमें शो करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो चार्ज उसके अंदर है वो देर इज नो नेट
चार्ज ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट मस्ट रिसाइड ऑन आउटर साइड। अच्छा लेट से अब ये अंदर एक चार्ज आ गया प्लस क्यू, अब ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से अब देर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस केस में अब देखें कि इस की वैल्यू जीरो क्यों आई है। अगर आपको समझाने के लिए कि अगर ये चार्ज इसके अंदर है, कि हमने पहले बात किया कि चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास जीरो आई है इस केस, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब देखें कि एक आपके पास और चार्ज आ गया माइनस क्यू, तो क्यू इनक्लोज्ड आपके पास क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में भी, इस केस में क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू वन विच इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो है टोटल चार्ज तब भी जीरो ही होगा। सो कंडीशन क्या है कि जी आपके पास जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास जो फ्लक्स है उसका या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। अब एग्जांपल करते हैं जी, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। अब देख सकते हैं कि इनर रेडियस आपके पास ए है और आउटर रेडियस बी है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये जो है वो कंडक्टर है आपके पास। सो विद ए नेट चार्ज माइनस क्यू इज सेंटर्ड ऑन पॉइंट चार्ज प्लस टू। ठीक है, मतलब चार्ज जो सरफेस का है वो क्या है आपके पास माइनस क्यू नेट चार्ज है। यूज गॉस लॉ टू शो दैट देर इज ए चार्ज ऑफ माइनस टू क्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल एंड चार्ज ऑफ प्लस क्यू ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ये हमने अब देखना है कि इसके अंदर किस तरह से होगा। सो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई क्वेश्चन से। सो अब ये हमने गॉसियन स्फीयर ले लिया और उसका रेडियस क्या है स्मॉल आर। सो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अवर सॉरी ई डॉट डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अवर एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास आ गया गॉस लॉ। अब ई इज इक्वल टू जीरो इन साइड द कंडक्टर। ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली थी। सो लेट आर बी इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन ए। ठीक है, सो क्यू आई हमारे पास आ जाएगा इनर सरफेस के ऊपर। सो क्यू इनक्लोज अवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू आई अवर प्लस टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू आई मस्ट बी इक्वल टू माइनस टू क्यू जो हमें बता रहा है। सो माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो इनसाइड वो हमारे पास क्या हो जाएगा जो है वो चार्ज आ जाएगा दोनों की वजह। सो अब ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एंड ए टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब हमने जो ये जो स्फीयर है उसके अंदर ये जो डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही है उसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है किसको इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ई डॉट डी ये हमारे पास गॉस लॉ हो गया। अब क्यू विच इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू रो इन टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम, इसे रिप्लेस कर दिया। वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हमारे पास सर्कल को वॉल्यूम है। सो पाई 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास सर्कमफेरेंस है। सो हमारे पास ये इक्वेशन इक्वेट होके आ गई। अब हम इसको रीअरेंज करें। सो क्यू को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो इन टू वी इनक्लोज। अब वी के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक रेडियस आर है स्मॉल और एक रेडियस ए है जो टोटल वॉल्यूम है स्फीयर। सो अब रो तो हमारे पास कॉमन आ गया। सो वॉल्यूम क्या होगा, हमने आउटर में से सॉरी आर में से ए को माइनस करना है। सो आर में से ए को माइनस करें किस तरह से करेंगे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ये आ गया रेडियस आर वाले का वॉल्यूम, और 4 बाई 3 पाई ए क्यूब ये आ गया रेडियस ए वाले का वॉल्यूम। सो रेडियस ए वाले वॉल्यूम को हमने माइनस कर दिया रेडियस आर वाले वॉल्यूम में से, तो हमारे पास किसका वॉल्यूम बचेगा
ठीक है, सिर्फ आर का। सो हम हमारे पास आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई a³। ये हमारे पास एक चीज़ बच जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास चार्ज कैलकुलेट हो गया। अच्छा, विच इज इक्वल टू, अब हम कहते हैं कि जो आर है इस केस में वो है बी, बी के इक्वल है। सो 4 बाई, उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर को बी से। सो 4/3 पाई b³ माइनस 4/3 पाई a³, ये हमारे पास चार्ज आ